नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको मुजफ्फरपुर की हर खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। नगर थाना क्षेत्र के नई बाजार में दिन दहाड़े अपराधियों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी से तकरीबन 10 लाख रुपए की लूट की घटना को दिया अंजाम। छठ महापर्व उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ संपन्न हुआ। लाखों श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर की पूजा अर्चना कर अपने परिवार की समृद्धि की कामना की। और सिविल सर्जन की पिटाई मामले को लेकर डॉक्टरों का हड़ताल जारी। दिन भर सदर अस्पताल में मरीज रहे परेशान। अब खबरें विस्तार से। नगर थाना क्षेत्र के नई बाजार चौक के समीप अपराधियों ने हथियार के बल पर पेट्रोल पंप कर्मचारी से हथियार के बल पर तकरीबन 10 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी। जिले में बेखौफ अपराधियों का आतंक जारी है। लूट, हत्या और छिनतई जैसी घटना आम हो गई है और अपराधियों पर नकेल कसने में पुलिस पूरी तरह विफल साबित हो रही है, जिसमें एक और लूट की घटना सामने आया है, जहां बाइक सवार हथियार से लैस अपराधियों ने पेट्रोल पंप के मैनेजर से दिन दहाड़े तकरीबन 9 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। घटना के संबंध में पेट्रोल पंप के कर्मचारी मुकेश ने बताया कि वह रोज की तरह पैसे लेकर जवाहरलाल रोड स्थित बैंक में जा रहा था। इसी क्रम में पहले से घात लगाए अपराधियों ने घेर कर हथियार के बल लगभग 9 लाख रुपए लूट कर सब्जी मंडी के तरफ भाग गए। उन्होंने बताया कि मोटा रकम होने का रीजन था कि पिछले 2-3 दिन से बैंक बंद था, जिसके कारण मोटा रकम हो गया था और जैसे ही घर से बैंक जाने के लिए बढ़े तो लुटेरे लूट कर फरार हो गए। कहाँ पे? बस इसी बस गेट पे। कहाँ से आप आ कहाँ से रहे? बस इसी जगह से जा ही रहे थे। अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप? बैंक जा रहे थे। कितना कैश हो गया था आपके पास? 9,58,000। कितने लोग थे? वो दो आदमी थे। किस चीज़ से थे? बाइक से थे। क्या चीज़ का पैसा था? पेट्रोल पंप का था। कहाँ लेके जाना था? बैंक जाना था। तो मतलब पहले से पीछा वगैरह कर लिया था ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यहीं पर से हाथ लगा था वो खड़ा। यहाँ पे क्या कर रहे थे? हम जा रहे थे बैंक। रास्ते रोक के आपको किया? हाँ, रोक के किया था। कितने की संख्या में था? वो दो आदमी थे। दोनों हथियार वगैरह भी था? दोनों आदमी, एक आदमी हथियार लेकर निकाले, एक आदमी बाइक पर थे। एज क्या होगा वो दोनों का? 25 से 30 साल। हाँ, मुँह में कुछ लगाया हुआ था कि? नहीं नहीं, ओपन था। ओपन था जी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही नगर डीएसपी राम नरेश पासवान दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए। घटना के संबंध में नगर डीएसपी ने बताया कि पीड़ित के बयान के आधार पर सीसीटीवी खंगाला जा रहा है, जल्द ही अपराधियों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया जाएगा। क्या कुछ सूचना मिली है सर, पूरा घटनाक्रम बताइएगा। क्या राशि वासी क्या क्लियर हो पाया? सारे लोग कहीं बता रहे हैं। उस साझेक्रम को सामने आया है? अब तो जांच चल रही है, उसका जो सामने आएगा। दो आदमी। सुबह सूर्य को अर्घ देने के बाद सात लोक आस्था का महापर्व संपन्न हुआ। लाखों व्रतियों ने भगवान भास्कर से अपने परिवार की समृद्धि की कामना की। उदयमान भगवान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही लोक आस्था के महापर्व छठ रविवार को संपन्न हो गया। सुबह जैसे ही भगवान भास्कर का दर्शन हुआ, व्रतियों ने सूप उठाकर भगवान को अर्घ देना शुरू कर दिया। भगवान सूर्य को दूध से अर्घ दिया गया। शहर एवं गांवों के विभिन्न नदी तालाबों और पोखरों में लाखों श्रद्धालुओं ने ठंड की परवाह किए बगैर पानी में डुबकी लगाई और उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया। इस दौरान व्रतियों ने लगभग 36 घंटे का निर्जला उपवास रखकर छठी मैया और सूर्य देव की आराधना की। छठ महापर्व के श्रद्धालुओं ने कई जगहों पर भगवान भास्कर की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की। बूढ़ी गंडक चैनपुर भास्कर पूजा समिति के द्वारा भगवान भास्कर की भव्य प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। समिति के अध्यक्ष संजय गुप्ता एवं कोषाध्यक्ष सूर्यकांत झा ने बताया कि हर वर्ष छठ पर्व पे नदी के किनारे भगवान भास्कर की भव्य प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना की जाती है।
भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता है और इनकी पूजा आराधना से साधक को यश कृति एवं हर कदम पर सफलता मिलती है। वहीं लोक आस्था के इस महापर्व में आश्रम घाट एवं सरैयागंज टावर के यूबी टावर के पास भी मूर्ति की स्थापना कर पूजन किया गया। जिला पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लूट की योजना बना रहे दो सातीर अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। जिले के पश्चिमी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में कैश लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाला अंतर जिला लुटेरा गिरोह की विशेष पुलिस की टीम ने पर्दाफाश किया। इसमें दो अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके ठिकाने से दो पिस्टल व तीन गोली समेत अन्य सामान बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान बसंतपुर पट्टी के विजेंद्र सहनी उर्फ बिरजू सहनी और सरैया रेवा के सतीश कुमार उर्फ बीरपन के रूप में हुई है। एसएसपी मनोज कुमार ने रविवार को प्रेस वार्ता के दौरान संबोधित करते हुए बताया कि यह सरैया पारू समेत कई थाना क्षेत्रों में कैश लूट घटनाओं में ये सभी शामिल रहे हैं। ये पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि है जो कि सरैया अनुमंडल को हाथ लगा है। इसमें सरैया एसडीपीओ के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। मूलतः सरैया थाना के थानाध्यक्ष और उसके कुछ पदाधिकारी और सिपाहियों के द्वारा ये ऑपरेशन करके उपलब्धि हासिल की गई है, जिसमें एक बिरप्पन नामक अपराधी पकड़ाया है, क्योंकि लगातार सीरियल लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। इसी का साथी गर्जू है जो सरेआम बाजार में फायरिंग भी किया और एक ड्राइवर को साइड नहीं देने के कारण से फायरिंग किया। इसके अलावा सीरियल लूट में हमेशा शामिल रहा। दोनों अपराधी पकड़े गए हैं। इसके पास मिठनपुरा थाना क्षेत्र के माली टोला में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, एक घर की लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गए। वार्ड नंबर 37 के माली टोला स्थित सीताराम चौधरी के मकान के ऊपरी मंजिल में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। आग किचन और एक कमरे में लगी। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंच आग पर काबू पाने में जुट गई। जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। आग लगी की घटना में लगभग 10 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई। पीयूष कुमार ने बताया कि आग बुझाने के क्रम में घर के दो लोगों की आंशिक रूप से झुलस गए। कितने शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, अप्रोक्स 10 लाख का नुकसान हुआ होगा। सबसे ऊपर वाले फ्लोर में आग लगा था और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ऑन टाइम आई थी, आग काबू पा लिया था। या इसी इलाका है, बहुत ज्यादा नुकसान है हमारा, ऊपर के फ्लोर पे पूरा खत्म हो गया। आस पास के बिल्डिंग को किस पर गड़गड़ नहीं, परिचय दे दिया। किन का मकान हुआ? सीताराम चौधरी, वार्ड नंबर 37। शॉर्ट सर्किट हुआ सर, 10 लाख के करीब। कितने देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी आके ये बुझाई है? समरणालय सभा कक्ष में पैक्स चुनाव 2019 के सफल संचालन को लेकर प्रमंडल स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया। समरणालय सभा कक्ष में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के पैक्स चुनाव के सफल संचालन को लेकर प्रमंडल स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी तथा शिवहर के उप विकास आयुक्त, SDM, जिला सहकारिता पदाधिकारी, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी और BDO उपस्थित थे। कार्यशाला में मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया और कहा कि आगामी पैक्स निर्वाचन को गंभीरता से लेते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और पूरी पारदर्शिता के साथ करें। जिला कालिक साहू सभा के सदस्यों ने जिले में दो दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने के विरोध में कैंडल मार्च निकाला और जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से बलात्कार के पश्चात हत्या से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। बोछा थाना क्षेत्र के दहिवन गांव में 14 वर्षीय नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या एवं हथौड़ी थाना क्षेत्र के अम्मा गांव में 5 वर्षीय अबोध बच्ची के बलात्कार के बाद हत्या, इन दोनों घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों और हत्यारों को 15 दिनों के अंदर गिरफ्तार करने की मांग को लेकर तैलिक साहू सभा के सदस्यों द्वारा यह मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च का आयोजन बोचहा थाना के दहिमन गांव में एक 13 वर्षीय बालिका के साथ जगन
दुष्कर्म किया गया, उसके बाद में आधा आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों ने उनके साथ दुष्कर्म किया और श्रेय में ले आकर के उनके साथ बलात्कार किया, और बलात्कार ही नहीं उसके साथ जघन्य अपराध करके उसका गर्दन हाथ पैर सब टोटल पूस दिया गया और उसके साथ उसकी हत्या कर दी गई। पहचानने के भय से अपराधी ने अपना साक्ष्य छुपाने के लिए ऐसा कार्य को विभत्स कार्य को रूप दिया है। वहीं सभा के संरक्षक लाल बाबू ने बताया कि स्मारक स्थल से प्रतिरोध सह यह कैंडल मार्च सरईगंज टावर चौक पर आकर समाप्त हुई। मुजफ्फरपुर जिला सैनिक साहू सभा के जिलाध्यक्ष श्री शंकर राजू एवं संरक्षण मंडल के अध्यक्ष जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता जी के नेतृत्व में आज बुचहा के तहमन गांव में और हथौड़ी के अम्मा गांव में दो बलात्कार की घटनाएं हुई है। उसके खिलाफ अपराधियों बलात्कारियों को गिरफ्तारी करने के लिए और उन पर एसपीडी ट्रायल चलाकर उनको फांसी की सजा देने के लिए मुजफ्फरपुर जिला सैनिक साहू सभा आज कैंडल मार्च कर रही है। दोस्तों यह पता है कि 14 वर्षीय छात्रा को पिछले 19 अक्टूबर को उसका अपहरण कर लिया गया। अपहरण के बाद बलात्कार की घटना को अंजाम देने के बबाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। और आईने सिविल सर्जन की पिटाई के विरोध में सदर अस्पताल समेत पीएचसी में डॉक्टरों का हड़ताल जारी। सदर अस्पताल में आशा कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। और आईपीएचसी में आंदोलनकारियों द्वारा सिविल सर्जन की पिटाई मामला दिन प्रतिदिन गर्माता जा रहा है। आज सदर अस्पताल समेत जिले के सभी पीएचसी के डॉक्टर ओपीडी बंद कर हड़ताल पर चले गए। सुबह से ही सदर अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी गायब थे और आशा कर्मचारी परिसर में ही धरने पर बैठे थे। इस दौरान जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आशा कर्मचारियों ने बताया कि जब तक सिविल सर्जन के मारने वाले की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसका प्रदर्शन का कारण है कि मंगलवार को हमारी कुछ साथी वहाँ काम कर रही थी, जो मंगलवार को दोषारोपण लगा के कि यहाँ पे एक्सपायरी दवाई मिलता है, तो इसी पर में हमारे सिविल सर्जन वहाँ एक्सपायरी दवा का जांच करने गए थे। सिविल सर्जन जांच कर ही रहे थे कि कुछ अपराधी तत्व के लोग जो ओराई के लोकल आदमी हैं, उन्होंने जाके कर्मचारी और सिविल सर्जन के साथ बहुत ही घृणित कार्य किया है, जिसके कारण हम लोग भयभीत होके अपना धरना पर बैठे हुए हैं। जब तक मेन अभियुक्त अखिलेश यादव की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग इसी तरह धरना पर बैठे रहेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? कुमारी शोभा, जिला मंत्री मुजफ्फरपुर। किसी की गिरफ्तारी हो पाई अभी तक? हम लोग को जैसे सुनने में आया है कि 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है, वो कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है हम लोग को सही जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे सारे कर्मचारी डरे सह में है। इन लोगों को उस दिन गोली मारने की धमकी दी गई थी, यहाँ तक हमारी महिला कर्मचारी को अपने कपड़ा में ही पेशाब करवाया गया था। अगर सरकार चाहती है, हमारी प्रशासन चाहती है कि हम लोग पेशाब पैखाना अपना कपड़ा में करके औराई में काम करें, हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेन अभी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर डॉक्टरों के इस हड़ताल के बाद मरीज दिन भर परेशान दिखे। डॉक्टरों के इंतजार में मरीज दिन भर बैठे रहे। औराई में हुए सिविल सर्जन पे जानलेवा हमले के बाद मुजफ्फरपुर के टोटल पीएचसी और सदर अस्पताल में सारे डॉक्टर नर्स वगैरह सब कोई हड़ताल पे चला गया। लगातार 5 दिन से हड़ताल है और हम दिखाना चाहेंगे इसमें पुरुष वार्ड में सदर अस्पताल के, जहां देख सकते हैं कि लगभग 2 दर्जन से ऊपर बेड खाली है जिसपे एक भी मरीज भर्ती नहीं है। आप देख सकते हैं कि एक भी मरीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। 2-4 मरीज हैं तो उनका इलाज किसी भी तरह, वो लोग दिन रात यहाँ पे बैठे हुए हैं लेकिन एक भी डॉक्टर नदारद है। और इधर हम दिखाना चाहेंगे कि इधर 2-3 पेशेंट हैं जो कि इलाज के लिए तड़प रहे हैं लेकिन डॉक्टर उनको देखने नहीं आ रहा। इधर दिखाना चाहेंगे हम, ये छोटा बच्चा को लेकर घूम रहे हैं, कोई इलाज का कोई बात ही नहीं हो रहा। कितने दिनों से भर्ती हैं, क्या कुछ है? ये 17 तारीख से भर्ती हैं हम। डॉक्टर साहब अभी 4-5 दिन से कहाँ हड़ताल में चल रहे हैं। अच्छा जी, तो क्या कहा जा रहा है, क्या डॉक्टर से आप लोग बोल रहे हैं इस चीज को? डॉक्टर के लिए तो आदमी को दर्द है, इसीलिए डॉक्टर साहब आ नहीं रहे तो अब किसको कहें, नर्स है वो सुइया दे के चले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस अस्पताल का क्या कंडीशन बना हुआ है, क्या हालात है। अब देखना यह है कि अभी भाषा की बैठक चले, अब क्या वहाँ पे निर्णय लिया जा रहा है और क्या उन लोगों को आश्वासन मिलता है, उसके बाद ही ओपीडी हो, पुरुष वार्ड हो, पीएससी हो, सब पे इलाज हो पाएगा।
सोनू शर्मा, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अभी बाकी सब देखे हम सब सेट। ये मेरे व्हाट्सएप पे पता नहीं क्या है? ये सब किसके लिए हो? ये सब किसके लिए? ये अपने नेबर की दिवाली पार्टी के लिए। और ये इसके कजन के बर्थडे के लिए, याद नहीं है? और ये रिया के जॉब छोड़ने की सेलिब्रेशन के लिए। और डैड, ये वाले सनी के हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए। अंकल, वो अपना सोनू है ना, उसकी वेलकम पार्टी के लिए। और डैड, ये निकी और रोहित के ब्रेकअप एनिवर्सरी के लिए। ब्रेकअप हो गया। और ये निकी और रोहित के पैचअप पार्टी के लिए। हाँ, वो भी हो गया। और ये मेरी शादी के लिए है ना? अरे ऑफ कोर्स डैड, ओकेजन तो बस बहाना है। स्टार्ट द सेलिब्रेशन, मेट्रो शूज, फाइंड योर वे। घर की खूबसूरती बढ़ानी हो तो करें ब्लैकबेरी टाइल्स का उपयोग। ब्लैकबेरी टाइल्स के बिहार में एकमात्र डीलर माँ दुर्गा मार्बल एंड टाइल्स एवं सोनी एंटरप्राइजेस, झिटकैया रोड, MIT गेट नंबर 1 के नजदीक, लक्ष्मी चौक, बैरिया रोड, मुजफ्फरपुर। 7000 स्क्वायर फीट में बिहार का नंबर 1 टाइल्स लाइव डिस्प्ले, जहां 50 से ज्यादा किचन, बाथरूम एवं पूजा घर का डिस्प्ले देखकर पसंद कर सकते हैं मार्बल टाइल्स और ग्रेनाइट। घर की खूबसूरती बढ़ानी हो तो पहुंचे माँ दुर्गा मार्बल एंड टाइल्स शोरूम, जहाँ डिजिटल टाइल्स, हाई ग्लोस टाइल्स, 3D टाइल्स, वाटरप्रूफ टाइल्स, पार्किंग टाइल्स एवं लाखा रेड ग्रेनाइट, जेम रोड ग्रेनाइट, पेपर ब्लैक सहित कई अन्य कलर, रेंज और साइज में उपलब्ध है। ग्रेनाइट और सैनिटरी 0 माइल बैरिया रोड के दादर पुल से पूर्व स्थित सोनी एंटरप्राइजेज में भी लाइव डिस्प्ले देखकर अपने घर के कमरे, किचन, बाथरूम और पूजा घर के लिए टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट कर सकते हैं पसंद। तो अभी ये 7000 स्क्वायर फीट का डिस्प्ले और लाइव डिस्प्ले जो लोगों के लिए एक समझना आसान है, आप 4 पीस टाइल्स दिखा के जो है समझा नहीं सकते हैं किसी को। और यहाँ है कि जो भी कस्टमर आते हैं वो संतुष्ट होके जाते हैं। और इतना रेंज, एक ब्लैकबेरी टाइल्स जो इंटरनेशनल क्वालिटी बनाती है, ये पूरे बिहार में माँ दुर्गा मार्बल ही एकमात्र डीलर हैं। मेरे यहाँ जितने भी सेल्समैन हैं वो एजुकेटेड हैं, जो आपको कन्विंस करते हैं, बताते हैं कि कहाँ पे क्या लगाना है। लेकिन यहाँ जो क्वालिटी मिलेगी वो उत्तम क्वालिटी मिलेगी। टाइल्स तो सब बेच रहे हैं लेकिन क्वालिटी ये मस्ट है। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहां से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी, यहां से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहां शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूरा सेट, कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटरप्रूफ चूरा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू पात चूरा, जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे, बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है,
और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेठ है, जैसे कि है कुंदन सेठ है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का च्वाइस देखते हैं हम लोग, हैं उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। IITZ, NET, AIIMS, NTSE, जहाँ किस्मत आजमाते हैं लाखों बच्चे लेकर करोड़ों सपने, लेकिन उसमें से ज्यादातर योग्य मार्गदर्शन के अभाव में होते हैं नाकामयाब। अब आपको कामयाबी की राह दिखाएगा उत्तर बिहार का अग्रणी कोचिंग संस्थान, जी हाँ यानी कि जीनियस क्लासेस। देश के कोने कोने से चुनकर आपके शहर मुजफ्फरपुर में जीनियस क्लासेस लेकर आया है अनुभवी शिक्षकों की एक ऐसी टीम जिसने सवारा है हजारों लोगों का कैरियर। जीनियस क्लासेस लेकर आया है 7th, 8th, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए टैलेंट सर्च एग्जाम अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम, और हमारे यंग टैलेंट प्रमोशनल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो आपके लिए है ढेर सारे प्राइजेस। रजिस्टर कीजिए जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम अवार्ड कम स्कॉलरशिप के लिए, जिसके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में, जिसके अंतर्गत अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपके लिए है फर्स्ट प्राइज में लैपटॉप, सेकंड आते हैं तो सेकंड प्राइज में है टैबलेट, थर्ड प्राइज है बाइसिकल और फोर्थ प्राइज है बुक्स। तो जल्दी कीजिए और जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आज ही GTSE एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस फ्रंट डेस्क से, या फिर अप्लाई कीजिए ऑनलाइन www.geniusclass.in पे। तो आज ही विजिट कीजिए जीनियस क्लासेज बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, पंकज मार्केट सरैया गंज मुजफ्फरपुर, या फिर आप हमारे दूसरे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं मिठनपुरा चौक मुजफ्फरपुर, या फिर विजिट कर सकते हैं www.geniusclass.in पे, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@geniusclass.in। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। आर कॉन्टेक्ट नंबर्स आर 7463884603, 9006877392, 8539857777। स्कूल को और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स, सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। आपके शहर में खुल गया है किंडर मोशन डांस एंड एक्टिविटीज क्लासेज, जिसमें इंडिया के फेमस कोरियोग्राफर द्वारा प्रशिक्षित डांस टीचर बच्चों को डिफरेंस फॉर्म में डांस सिखाते हैं, जैसे बॉलीवुड, हिप हॉप, कंटेम्प्रेरी पॉप डांस सिखाते हैं। साथ में एक्टिविटीज के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट, विभिन्न तरह की पेंटिंग्स और ब्रेन डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज सिखाए जाते हैं। एकेडमी में एज ग्रुप बॉयज के लिए 2 साल से 12 साल एवं गर्ल्स के लिए 2 साल से 18 साल तक है। हमारा पता है नियर होटल शिवम इन, मुखर्जी लैन, मोती झील, मुजफ्फरपुर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9931695198।
रियल वर्ल्ड छोड़कर मोबाइल टीवी आईपैड की दुनिया में चले गए हैं। इंडोमोशन इज एंटायरली अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो कि बच्चों पर फोकस किया जाता है। इसमें दो तरह की चीज़ों पर हम फोकस करते हैं, एक है फिजिकल फिटनेस और दूसरा है ब्रेन डेवलपमेंट। तो फिजिकल फिटनेस हम डांस के जरिए पूरा करते हैं और ब्रेन डेवलपमेंट हमारा एक्टिविटीज पार्ट है। और डांस करने से बच्चों में आत्मविश्वास भी पैदा होती है और आजकल के कॉम्पिटिशन में बहुत ज़रूरी है कि बच्चा तेज तैयार बने, ओवरऑल डेवलपमेंट हो। तो यहाँ पर हम एक तरह से लर्निंग विथ फन भी कह सकते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। गौशाला परिसर में 123वां गोपाष्टमी महोत्सव सह आनंद मेला का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने गौ की सेवा की। गौशाला के प्रांगण में 123वां गोपाष्टमी महोत्सव सह आनंद मेला का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार ने दीप प्रज्वलित करके की। दरअसल इस मेले में दूर दूर से हजारों लोग शरीक होते हैं। आयोजक द्वारा इस मेले के माध्यम से आम लोगों को गौ को कैसे रख रखाव करते हैं और गाय के पालने के कितने फायदे हैं, इनके बारे में जानकारी दी गई। आयोजक ने बताया कि हर वर्ष हम लोग मेले के जरिए गौ की वस्तु स्थिति लोगों को बताते हैं। अभी थोड़ी देर में गौ पूजन हो रहा है अभी आपके सामने, उसके बाद यहाँ विचार गोष्ठी होगी गौ संवर्धन एवं गौ विकास पर, और उसके बाद यहाँ जागरण होगा, और जागरण के बाद रात्रि में यहाँ पर बहुत विशाल मेला लगता है जो आप लोग देखेंगे। और मेले में जो है बहुत सी दुकानें लगी हुई हैं, बहुत से पूरे मोहल्ले के पूरे इस इलाके के महिला बच्चे लोग आते हैं, गौ सेवा करते हैं, गौ माता को प्रसाद खिलाते हैं और यहाँ मेला का आनंद उठाते हैं। ये कार्यक्रम यहाँ पर 123वां सालगिरह है इस कार्यक्रम का, 123 साल से गौशाला में ये गोपाष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर एसडीओ पूर्वी ने बताया कि इस तरीके से आयोजन से गायों की सेवा करने का मौका आम लोगों को मिलता है। आज 123वें गोपाष्टमी महापर्व पर हम लोग यहाँ आज एकत्रित हुए हैं और ये मेला प्रत्येक साल लगाया जाता है। आज हम लोग 123वें साल इसको हम लोग मना रहे हैं। आज के दिवस हम लोग मेला लगा करके सभी शहरवासी और दूर दूर से आए हुए लोगों को हम लोग ये दिखलाते हैं कि हम लोग यहाँ गोवंश की किस तरह से सेवा कर रहे हैं, और लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि वैसे लोग, वैसी गायें या वैसा गोवंश जिसको कि आप व्यर्थ समझ रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है, बल्कि उनका भी सेवा करना है अंतिम सांस तक। अगर आपसे नहीं होता है तो कृपया हमको सुपुर्द कर दें और उसको यूं ही मतलब तिरस्कृत होने के लिए रोड पर ना छोड़ें। हम लोग जितने भी हम लोग इस गौशाला परिवार के लोग हैं, वैसे सभी गोवंशों की सेवा के लिए हम लोग तत्पर हैं। गाय घाट में नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लेने के FIR दर्ज नहीं किए जाने का SSP से लगाई गुहार। गायघाट थाना क्षेत्र के रमौली ग्राम निवासी बीना देवी से उनके लिए गांव के उमेश एवं वीरेंद्र शर्मा द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर 3 लाख रुपए लेने के बावजूद ना तो नौकरी मिली और ना ही पैसे। अब अपने पैसे की मांग करने पर बीना देवी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसकी शिकायत उन्होंने गायघाट थाना में की, पर थाना प्रभारी ने प्राथमिकी दर्ज करने से ही इनकार कर दिया। सोमवार को SSP से मिलकर प्राथमिकी दर्ज करवाने की गुहार लगाई। 2011 को वीरेंद्र शर्मा और दिनेश शर्मा उमेश शर्मा हमसे 3 लाख रुपया लिया है नौकरी टीचर के वास्ते। आज तक रुपया नहीं दे रहा है, रुपया मांगने जा रहे हैं तो हमको जूता पकड़ के मारने लगा, बोल रहा है कि रुपया नहीं देंगे, तुम क्या कर सकते हो, और अगर रुपया नहीं देगा तो प्रशासन के साथ नहीं असूल किया जाएगा तो हम जीवन अपने से हत्या कर लेंगे। आज कहाँ मिलने आए थे? SSP के ना नौकरी हुआ ना आपको पैसा लौटा रहा नहीं, है ना नौकरी दिया ना पैसा। किस गांव का घटना है? गांव कौन सा? रमौली थाना गायघाट। कल्याणी चौक पर अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोध नीति चलाए जाने के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका।
सोमवार को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के सदस्यों ने केंद्र सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। समिति के सदस्यों का कहना था कि केंद्र एवं राज्य सरकार की वर्तमान नीतियों का खामियाजा किसान उठाने को मजबूर है। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य तक नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण किसान मजदूरी करने को विवश है। संगठन बना है, जिस संगठन में मुक्त व्यापार को इस लोगों ने संगठित करने का फैसला लिया है और उसको बिना टैक्स का विदेशी कृषि इनपुट से लेकर हर सामान भारत जैसे देश में आएगा और जब भारत में जब उसका तोड़ी आएगा, उसका दूध आएगा, दूध से बने हुए सामान जब आएंगे तो भारतीय किसान का क्या होगा। गन्नीपुर स्थित लॉ कॉलेज के छात्रों ने परीक्षा की तिथि बढ़ाने को लेकर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। गन्नीपुर स्थित SKJ लॉ कॉलेज के LLB एवं प्री लॉ के छात्रों द्वारा परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने को लेकर जमकर हंगामा एवं प्रदर्शन किया गया। छात्रों ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले छात्रों का पठन पाठन प्रभावित हुआ है, जिसको लेकर उन्होंने पूर्व में भी आर्य बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति से परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग की थी, परंतु परीक्षा की तिथि नहीं बढ़ाई गई, जिसको लेकर छात्रों ने सोमवार की कॉलेज प्रांगण में जमकर हंगामा किया। SKJ लॉ कॉलेज मुजफ्फरपुर गन्नीपुर और हम लोग का सेंटर जो है सो इस बार जो है सो अभी एग्जामिनेशन का डेट आ चुका है, ठीक है, और हम लोग का एग्जामिनेशन 6 तारीख से है, ठीक है, तो ये जो डेट आया है ये 22 तारीख को आया है, 22 को ये रिलीज हुआ है विज्ञप्ति जो सेंटर का डेट आया है, ठीक है, और जो एग्जामिनेशन का डेट आया है, और 23 को हम लोग को कुछ बच्चों को मिला है और इस बीच में बहुत सारी छुट्टियां भी रही हैं, जैसे छठ बीता है, ठीक है, और छठ के बाद क्या है कि सारे बच्चे आज आ रहे हैं, किसी को अभी पता चल रहा है, तो मात्र 4 से 5 कार्य दिवस यानी कि जो वर्किंग डेज है 4 से 5 वर्किंग डेज का समय सारे बच्चों को मिला है और यूनिवर्सिटी का सर्कुलर है कि कम से कम 15 दिन पहले जो है सो एग्जामिनेशन का नोटिस या विज्ञप्ति जो है मिल जाना चाहिए। हम लोग बस ये चाह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं, कोई सीतामढ़ी से है, कोई मधुबनी से है, जिसका घर जो है सो अस्त व्यस्त हो चुका है, बाढ़ जो अभी रिसेंट आया है पटना में, सारा किताब कॉपी सब कुछ जो है सो हम लोग का मांग यही है कि कम से कम हम लोग को 15-20 दिन या महीने दिन का जो है सो डेट दिया जाए ताकि सब तैयारी करके और सबको जो नहीं नोटिस पहुंच पाया सब आ जाए और एग्जामिनेशन सब अच्छे से दे पाए। समाहरणालय में आशा कार्यकर्ता संघ के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना दिया। आशा कर्मचारियों द्वारा सोमवार को समाहरणालय परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। आशा कार्यकर्ताओं का कहना था कि उन्हें सरकार सरकारी कर्मचारी घोषित कर सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। कर्मी घोषित करें, जब तक सरकारी कर्मी घोषित नहीं कर दिया तब तक हम लोगों को मानदेय 18,000 सेविका और 12,000 सहायिका को दे, अन्य कार्यों में न लगाया जाए, जैसे कि DLO अन्य तरह का जो भी काम होता है राज्य सरकार हम लोगों को काम में लगाती है, वो अतिरिक्त मानदेय भत्ता हम लोगों को दे। केंद्र सरकार ने 2011 में चुनाव बोले थे कि हमारी सरकार दोबारा बनती है तो हम आप लोगों को मानदेय बढ़ाएंगे, लेकिन संतोषजनक मानदेय नहीं बढ़ाया गया, वो हमें पूरा करें, वो अपनी बात पूरा करें जो कहे थे, हम लोगों को सरकारी कर्मी घोषित करें, अन्य कामों में न लगाएं, सेविका का 16 महीने से मानदेय बकाया है वो हमें जल्द से जल्द मिलना चाहिए। जब से ऑनलाइन हम लोगों को पेमेंट होना शुरू किया है उससे पहले 2016 का भी कहीं पूरे जिला में कहीं 4 महीने, कहीं 2 महीने, कहीं 10 महीने, कहीं 16 महीने का है, वो हमें पूरा करें। आज के लिए बस इतना ही है, मुझे और मेरे पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे शहर के कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।